हाय दोस्तों, मैं हूँ यशवी शर्मा। मैं फिर आया हूँ ग्रीन गार्डन चैनल आप लोगों के सामने लेकर आए हैं एक स्थल कमल प्लांट, जो कि लैंड लोटस नाम से जाना जाता है। प्लांट में कितना अच्छा अच्छा बड़े बड़े फ्लावर खिले हुए हैं, आप देख पा रहे हैं। बंच में खिला हुआ है, बल्क में खिला हुआ है फ्लावर, जो इस प्लांट में 9 फ्लावर खिले हुए हैं एक साथ। बहुत ही बिगेस्ट साइज़ का फ्लावर है, आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा कितना हेल्दी फ्लावर है। प्लांट भी कितना हेल्दी है, और जो कि कंटेनर में लगा हुआ है, देखिए इसका कंटेनर देख पा रहे हैं आप। तो इस प्लांट को ग्रोथ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में हम आज आप लोगों को बताएंगे। ये प्लांट काटिंग से भी लग जाते हैं, आप कहीं से भी एक ब्रांच काट के लगा सकते हैं इसको। लेकिन इसकी मिट्टी कैसे तैयार करेंगे, मिट्टी तैयार करने के लिए आपको 40% मिट्टी लेना पड़ेगा, 20% सैंड लेंगे। कोई भी मिट्टी आपके पास है वही वाला मिट्टी चल जाएगा। 20% रिवर्स सैंड होना चाहिए, 60% हो गया, और जो कि 30% इसमें कंपोस्ट मिलाएंगे, जो बार्मी कंपोस्ट या काउडंग होना चाहिए, या लीफ से सराव सरा के जो कंपोस्ट बनता है, पत्ता से जो कंपोस्ट बनता है वो कंपोस्ट भी आप ले सकते हैं। और 10% लेना है कोकोपीट, ये हो गया 100%। अच्छा से मिक्स करके फिर आपको इस प्लांट को लगाना है। लेकिन मिट्टी हमेशा ध्यान रखना, वेल ड्रेन होना चाहिए, तभी आपका प्लांट अच्छा सर्वाइव करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा फ्लावर है, कितना बिगेस्ट साइज है, प्लांट कितना हेल्दी है। और जब इस प्लांट को लगाएंगे उस टाइम आपको उस मिट्टी के साथ एक मुट्ठी सरसों खली, 1 स्पून नीम खली मिलाना है। और दोस्तों हर 15 दिन में एक बार इसको फर्टिलाइज़र प्रोवाइड कराना है, जो कि 15 दिन में आप फर्टिलाइज़र प्रोवाइड कराएंगे। उसमें मैं आपको बताता हूँ, DAP आधा चम्मच, DAP 1 चम्मच, पोटाश सल्फेट आपको देना है। नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा देंगे तो इसका पत्ता बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसमें फ्लावर ज़्यादा नहीं आएंगे, इसलिए DAP आधा चम्मच और 1 चम्मच आपको देना पड़ेगा पोटाशियम सल्फेट, तो कि आपका प्लांट में अच्छा फ्लावर आएगा। 15 दिन में एक बार आपको एंटीफंगल देना है, साफ नाम से एक एंटीफंगल पाउडर मिलता है, जो कि फर्टिलाइज़र की दुकान में मिलते हैं। वो फर्टिलाइज़र की दुकान से आप साफ नाम से एंटीफंगल पाउडर लेकर आएंगे, उसका 1 चम्मच 1 लीटर पानी में घोल के अच्छा से डिज़ल्व कर लीजिएगा। डिज़ल्व करने के बाद आप पूरे पेड़ों में अच्छा से स्प्रे कर दीजिएगा। ये हर 15 दिन में एक बार आपको स्प्रे करना है, तब आपका प्लांट में फंगस का अटैक नहीं होगा। हर 15 दिन में एक बार पेस्टिसाइड ज़रूर डालिएगा। पेस्टिसाइड में आपको डालना पड़ेगा रोगोर प्लस या रोगोर नाम से पेस्टिसाइड आता है, वो आप फर्टिलाइज़र की दुकान में जाके बताएंगे। पेस्टिसाइड रोगोर प्लस दे दीजिए, तो आपको एक लिक्विड प्रोवाइड कराएंगे, उसका 2 ml 1 लीटर पानी में डिज़ल्व करके हर 15 दिन में एक बार अच्छा से स्प्रे कर दीजिएगा। तो इसमें कोई भी बीमारी कीटाणु नहीं लगेंगे, जैसे कि मेरा प्लांट देख रहे हैं बिल्कुल हरा भरा है, हेल्दी है, वैसा ही हेल्दी आपकी प्लांट भी रहेगा, तो आपका प्लांट भी अच्छा से ग्रो करेगा। लेकिन 15 दिन में एक बार आपको इसमें एप्सम साल्ट, जो कि MgSO4 मैग्नीशियम साल्ट जिसको कहा जाता है, आपको हर मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध हो जाएगा। कोई भी मेडिकल स्टोर पर जाके आप बताएंगे जी MgSO4 या एप्सम साल्ट दे दीजिए या मैग्नीशियम सल्फेट दे दीजिए, वो दे देंगे। 1 चम्मच आप 1 लीटर पानी में डिज़ल्व करके स्प्रे कर सकते हैं, नहीं तो आप सॉइल में भी मिला सकते हैं 1 चम्मच 15 दिन में एक बार, तब आपका प्लांट इतना अच्छा हरा भरा और इतना अच्छा फ्लावर, बल्क में फ्लावर आएंगे। अब आते हैं इसमें पानी कैसे देंगे। इसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल कम पानी की भी ज़रूरत नहीं है। आपको हमेशा ध्यान रखना है मिट्टी की
ऊपर सतह अगर सूखने लगता है उस टाइम आप पानी प्रोवाइड कराइए, भले 2 दिन अंतर देना हो या 3 दिन अंतर देना हो या डेली देना पड़े, जैसे भी क्लाइमेट आपके पास होगा उसी हिसाब से आपको पानी देना है। लेकिन मिट्टी को बहुत ज़्यादा सूखा नहीं करना, ज़्यादा ड्राई होंगे तो प्लांट धीरे धीरे ढलने लगेंगे, प्लांट में अगर बर्ड होंगे तो बर्ड झड़ने लगेंगे, इसलिए पानी का खास ध्यान रखना। ओवर वाटरिंग भी नहीं करेंगे, ज़्यादा पानी देने से भी आपका बर्ड फॉलिंग होंगे और प्लांट अच्छा सर्वाइव नहीं करेगा, नीचे से रूट रॉट हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा ग्रीन गार्डन चैनल। अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आने वाले समय में जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूँगा तो आप तक तुरंत पहुँचेगा। आज यही तक, आपकी कोई अगर सवाल है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है या कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर सकते हैं, कोई सवाल पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए जानकारी देता रहूँगा, रिप्लाई करता रहूँगा। जय हिंद।